हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबकी रिक्वेस्ट पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बुक में से जो टॉपिक्स हैं जिन पे पेपर आता ही आता है हर ईयर, उन टॉपिक्स को लेके फिर से हाजिर हूँ। इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि मुझे डीपली स्टडी करनी होती है आप सबकी हेल्प के लिए। मैं सिर्फ ये वीडियो दो मिनट में नहीं बना देती, तो आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हैं। मैं ये दावा करके कह रही हूँ इनसे अलग टॉपिक ही आपके पेपर्स में नहीं आएंगे, तो आपको एक एक वीडियो अच्छे से देखनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी पहले ही, तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गई हूँ जो पेपर में आने ही आने होते हैं, पूरा पेपर ही जिनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए, आपको थोड़ा सा एफर्ट भी लगे कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बिना मत रहना, और वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हो जाएगी, जितनी मैंने मेहनत की है इन वीडियोस को बनाने में उतना मुझे रेस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है जो हर एक पेपर में आता है, मोस्टली तो ये सभी मैंने वो हैं जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से मैंने चुने हैं। ठीक है, बुक भी देखी है, देन क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं, देन अगेन भी अलग से भी देखा है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मे बी कि वो आज तक नहीं आया है, न्यू में आ सकता है, तो वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो वीडियो आपको बिना स्किप करे देखनी है अगर आपको सच में पूरी डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किसी भी केमिस्ट्री के पेपर्स को पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है SN1 एंड SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो वो टॉपिक हैं जिनके लिए मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जब मैंने नोट शेयर किए रहे थे इन पे तो मैंने तब भी बता दिया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि ये इंपॉर्टेंट बताया है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना वीडियोज़ में, उनमें से आपको 1% भी ये डाउट नहीं होना है कि ये टॉपिक मैं नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। एक एक टॉपिक आपको करना है क्योंकि उसमें जो वीडियो में एक एक टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, इसके साथ साथ आपको जो एविडेंस होते हैं मैकेनिज्म के लिए वो सब करना है। ठीक है, सेकंड है आपका एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पे मैं ऑलरेडी नोट शेयर कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। देखिए ये शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता। सेम लॉन्ग में कैसे आएगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा। तो एरोमेटिसिटी मेनली फॉर एनिलिन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली आता है, तो ये एरोमेटिसिटी हो गया। ठीक है, उसमें 2 से 3 पॉइंट्स कंबाइन है, लाइक एरोमेटिसिटी फॉर एन्यूलिन्स। ठीक है, तो ये आपको करने हैं, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी। ये नहीं करना है कि मैंने सिर्फ एरोमेटिसिटी बताया तो वो मैंने सिर्फ डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, पूरा टॉपिक बता रही हूँ, टॉपिक पूरा आपको करना है। देन है हकल रूल, मैंने समझाया था हकल रूल बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया हुआ था हकल ने अलग अलग तरीके से, तो बेंचॉइड एंड नॉन बेंचॉइड या 2n+4 टाइप्स का, तो वो सभी आपको करने हैं, मैंने नोट शेयर कर रखे हैं हकल रूल पे। देन है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट के नाम से भी आ सकता है, एंड देन आपका वही है NGP के नाम से आता है मोस्टली, तो ये लॉन्ग में पेपर बनता है। इस पे लॉन्ग मींस आप समझ सकते हो 10 से 15 नंबर का, वो यूनिवर्सिटीज पे अलग अलग डिपेंड होता है, बट मोस्टली जो लॉन्ग होता है आपका 10 नंबर का तो होता ही होता है। तो सोचिए 10 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको बहुत अच्छे से पूरी मेहनत से इस टॉपिक को करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग बनने के अगर और क्वेश्चंस के 80% एक और क्वेश्चन के 20% चांस है, तो इसके 80% है कि ये लॉन्ग में आना ही आना है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी तो मैं नहीं कहूँगी, सिंपल वे में है खैर, बट ये है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लॉन्ग में ही आएगा। देन है कायरेलिटी पे नोट्स शेयर कर चुकी हूँ, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 5 टॉपिक्स मैंने लिए थे, तो वहाँ मैंने शेयर कर रखे हैं, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं शॉर्ट टाइप के वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। देन है स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, अलग अलग नोट शेयर कर रहे थे, दोनों वीडियो अलग अलग शेयर करी जिससे कि आपको समझ आ जाए, इसका भी लॉन्ग बनता है। ठीक है, दोनों एक साथ भी आ जाती है या इससे शॉर्ट भी बन जाता है कि अलग अलग पूछ लेता है, बट दोनों को एक साथ पूछेगा तो आपका लॉन्ग बन जाएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो आपको मिल गए कि किस टाइप से टॉपिक्स मिलते हैं, आगे और भी ज़्यादा पता चलेगा, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कि दो आपको लॉन्ग मैंने बता दिए कि 2 लॉन्ग बनते हैं। देन है ऑल एविडेंस फॉर मैकेनिज्म, ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड करा था, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाओ, जैसे कि ऑल एविडेंस फॉर मैकेनिज्म मैंने वहाँ नहीं लिखा ऊपर SN1 रिएक्शंस में, तो वो आपको याद रखने हैं। अलग से भी पूछ लेता है कि थर्मोडाइनेमिक एविडेंस या काइनेटिक एविडेंस, इन सबको समझाइए, तो एक एक पॉइंट्स आपको लेके चलना है। एक वीडियो में शेयर कर रही हूँ 10 से 12 मिनट की,
तो उसमें मैं एक एक पॉइंट क्लियर करा के ही चल रही हूँ, ठीक है। तो थर्मोडाइनेमिक के लिए भी आता है एंड मोस्टली काइनेटिक, दोनों इन दोनों के लिए आपसे एविडेंस अलग में पूछ लेता है, शॉर्ट में पूछता है वो भी कि SN1 के लिए थर्मोडाइनेमिक जो एविडेंस है वो कैसे होगा, क्या होगा वो बताना है, या SE1 वो किसी के भी लिए पूछ सकता है, बट आपको ऑल एविडेंस पढ़ने हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, रिएक्शन पढ़ ली, मैकेनिज्म पढ़ ली, एविडेंस पर ध्यान नहीं देते, बट ऑर्गेनिक है, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का समझ आ गया, अब चलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस पे। समझाया हुआ है, टॉपिक शेयर कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। हाइपर कंजुगेशन, टोटोमेरिज्म एंड ये सारे, अब मैं बताती हूँ क्या होता है। अगर अलग अलग में पूछे जाएंगे तो शॉर्ट, और लॉन्ग में कैसे पूछे जाएंगे, यानी कि दो टॉपिक ले लिए, जैसे एसिमेट्रिक सिंथेसिस और हाइपर कंजुगेशन, लॉन्ग बना दिए दोनों को मिला के, बहुत बार होता है तीनों को मिला के लॉन्ग बना दिया है ना, तो एक तो इनमें से ले लिया लॉन्ग प्लस कुछ ऐड कर दिया, तो इस टाइप से भी लॉन्ग बन जाते हैं। तो 2 से 3 स्मॉल शॉर्ट टाइप के टॉपिक्स को लेके एक लॉन्ग आपके लिए दे देता है। देन है हैमेट इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ नोट्स, आप लोग चाहोगे तो बिल्कुल शेयर करूँगी। देन है SE1 एंड SE2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म प्लस ऑल एविडेंस, ठीक है। यहाँ तक का एक साइड का क्लियर हुआ, एक एक टॉपिक, वो टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ तक का सारा टॉपिक क्लियर है, किस टाइप से टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बता रही हूँ, साथ के साथ लॉन्ग में बनेगा या शॉर्ट में बनेगा। इसी टाइप से पेपर में आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, 90% पेपर इसी टाइप से बनेगा, 10% यूनिवर्सिटी वाला जो पेपर बना रहा है टीचर, वो प्रोफेसर वो कैसे भी कर सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए तो मैं 100% गारंटी नहीं ले सकती हूँ, बट लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए इतनी तो मुझे पता है कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन बनता है। उधर के हो गए, अब आ जाते हैं इधर की साइड, जो मैंने अलग से लिखा हुआ है। इसमें सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है क्राउन ईथर, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में आने के चांसेस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो शेयर कर चुकी हूँ तो कर लेना। प्लस सिर्फ क्राउन ईथर अकेले नहीं आता है, प्लस इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, तो वो एप्लीकेशन भी आपको देखने हैं, ठीक है। प्लस एप्लीकेशन, क्राउन ईथर सारा डिटेल में पूछ लेगा सब कुछ, देन आपसे एप्लीकेशन भी पूछ लेगा, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई एक ही टॉपिक का, ठीक है। अब सेकेंड है आपका डिलोकलाइजेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन मोस्टली वेरी शॉर्ट में आया हुआ है, मोस्टली तो वेरी शॉर्ट में आता है, 80% 20% चांस होते हैं कि शॉर्ट में भी आपको दे दे, तो आपसे डिलोकलाइजेशन एनर्जी सर्च करने के लिए बोल देगा, पूछ लेगा कि इसकी डिलोकलाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, तो मोस्टली वेरी शॉर्ट में ही आएगा, बट आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन हर एक पेपर में आपको मिल जाएगा। अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, अब तक नहीं देखे हैं तो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में शेयर किया हुआ था, सारे टाइप शेयर करे हुए थे, सब कुछ डिटेल में समझाया था, तो आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहाँ आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ का उसका पूरा मटेरियल मैंने प्रोवाइड करा हुआ है वीडियो में। देन है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इसको भी शेयर कर रखा है। देन है अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, ये भी आपका शॉर्ट में आएगा बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन है कार्बीन्स, कार्बीन्स मैंने शेयर नहीं किया अब तक, बट कार्बीन्स भी आपके पेपर्स में आया हुआ है काफ़ी हद तक। और जो ये है अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, ये शॉर्ट में आता है बट मोस्टली आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वेरी शॉर्ट में भी आपसे पूछ लेता है बहुत बार। कार्बीन्स जो है, जो कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, नाइट्राइन्स और ये कार्बीन्स, इन्हीं के चैप्टर में हैं और वहीं आपको करना है। मोस्टली हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। देन है HOMO एंड LUMO रूल्स हैं, ये वो आपको करने हैं, मैंने शेयर नहीं किए हुए भी, क्लियरली मैं आपसे कह रही हूँ कि ये मैंने अब तक शेयर नहीं किया है। देन रेजोनेंस एनर्जी होगी, यार रेजोनेंस एनर्जी पे मैं शेयर कर चुकी हूँ वीडियो, देखिए शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही आपके पेपर में आता है। देन है इंक्लूजन कंपाउंड, इंक्लूजन कंपाउंड पे बहुत अच्छे से वीडियो शेयर कर रखी थी, हालांकि मैंने उस वीडियो को नाम BSc दे दिया क्योंकि BSc का टॉपिक है, बट MSc में भी अगर आपके में है और आपके पेपर में भी आ रहा है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है इंक्लूजन कंपाउंड आपका टॉपिक में नहीं भी है, तो बेसिक केमिस्ट्री है ये, तो आपको आनी चाहिए, तो BSc के भी कुछ टॉपिक आपके MSc में आ सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। केमिस्ट्री मीन्स सारी केमिस्ट्री, चाहे वो BSc की हो, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो 12th की हो। देन है PMO अप्रोच फॉर एरोमेटिसिटी, ये बहुत सारी इंक्लूडेड है इसमें, बहुत सारा मटेरियल, वो सभी करने हैं। देन नाइट्राइस एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ जो ये सारे टॉपिक्स अब आपको दिखा रही हूँ मैं, एक भी टॉपिक इनमें से ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, या आपने नहीं किया है, या आप
छोड़ दो, पेपर में जाने से पहले मैंने खुद ने बहुत ज़्यादा सिंपली लिखे हुए हैं ये टॉपिक, बहुत अच्छे से समझाया है आपको, आपको सिर्फ मटेरियल देखिए, मैं आपको आपको समझा सकती हूँ बट आपके माइंड में पूरी तरह से नहीं रख सकती हूँ। तो वीडियो शेयर हैं, दो बार देखिए एक वीडियो को, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, बट टॉपिक क्लियर करिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक पे मैंने नोट्स शेयर कर रखे हैं। SN1 SN2 पे, एरोमेटिसिटी, हकल रूल पे भी हैं, कायरेलिटी पे भी हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन पे। आप देखिए आपने कितनी वीडियो नहीं देखी, इन पे 80% पे मेरे टॉपिक पे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस पे, हाइपर कंजुगेशन पे, ठीक है, देन हैमेटिक क्वेश्चन पे नहीं है, एंड SE1 और SE2 पे मैं डाउट में हूँ, पता नहीं शेयर करें हैं या नहीं करें, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। जितने पे कॉन्फिडेंस है उतना ही कहूँगी, ठीक है। देन क्राउन इथर पे तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो तैयार करके शेयर कर रखी है। देन कार्बोकेटाइन पे भी बहुत अच्छे से शेयर की है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पे भी शेयर की है, अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, जो ये है ना एलिमेंट सिमेट्री और नॉन अल्टरनेट जो हैं, इन नॉन अल्टरनेट सॉरी, इन पे मैंने बहुत अच्छे से लॉन्ग वीडियो शेयर करी थी और एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में सारे टॉपिक थे। देन कार्बेन्स इंक्लूजन कंपाउंड, तो अब आप देखिए सारे टॉपिक में से कितने पे मैंने टिक लगा दिया कि ये मैं शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ, किसी और के साथ नहीं, वीडियो से शेयर कर चुकी हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं उन्हें तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बट आप लोगों को भी शेयर किया हुआ है। तो 85% टॉपिक जो है इस वीडियो के जो मैं शेयर कर रही हूँ वो मैं ऑलरेडी आपको नोट से समझा चुकी हूँ। तो जाइए वीडियो देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, बट अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आज मैंने क्लियर करा दिया, तीनों पेपर ले दिए हैं, तीनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको निचोड़ पूरी किताब का दे दिया है। सेमेस्टर के पेपर आने वाले, पूरी बुक में मत झांकिए, अब टाइम नहीं है पूरी बुक में झांकने का, तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर फोकस करिए, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जब तक आपको समझ ना आ जाए वीडियो को देखते रहिए। सो थैंक यू एंड बाय।